हेलो एवरीवन, आज हम तीसरा अवतार वामना अवतार। तो वामना अवतार इसको कैसे अपनी कुंडली के साथ कनेक्ट करना है, इसके पीछे क्या मैसेज है, वही आज मैं बताने जा रही हूँ। वामना अवतार सबसे पहले राजा प्रह्लाद और विरोचना का नाती था महाबली, और देवताओं ने चरणी के जब चरणी हुई तो सारा नेक्टर देवताओं ने ले लिया और अमर हो गए। और ये बात जब राजा बलि को पता चली तो क्योंकि वो इंद्र को हरा नहीं सकते थे, अमर हो चुके थे, तो वो शुक्राचार्य के पास गए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको विश्वजीत यज्ञ करना चाहिए, शुक्राचार्य जी ने बोला, तो इसी से आपकी सारी पावर्स वापस आएंगी। रानी महर्षि कश्यप और दिति उनकी जो वाइफ थी अपने बेटे इंद्र को लेकर परेशान थी, तो वो भगवान विष्णु के पास गई कि राजा बलि ऐसे यज्ञ करने जा रहा है और मेरे बेटे की जान को खतरा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर पे ही जन्म लूँगा। तब वामना अवतार का जन्म हुआ, तो रानी दिति ने वामन भगवान विष्णु को जन्म दिया, उनका नाम रखा गया वामना। इधर यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई, तो जैसे यज्ञ होने लगा तो सारे ब्राह्मण आए हुए थे और राजा ने बहुत दान पुण्य का वचन दिया हुआ था, किसी ने गैया मांगी, किसी ने राज्य, किसी ने जो भी मांगा। तो जब भगवान विष्णु पूछे तो एक तो छोटे थे देखने में बहुत, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो वचन देते हो वही आप पूरा करते हो, जो भी मैं भिक्षा मांगूंगा आप दोगे। तो राजा बलि ने कहा ये बात सत्य है, तो कह रहे ठीक है मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो सब जितने भी आए थे सब ब्राह्मण हंसने लगे कि बच्चे ने मांगा तो क्या मांगा। यज्ञ शुरू हो चुका था तो भगवान ने कहा मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। अब तो वचन दे चुके थे बाली, तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने पहला पग बढ़ाया तो उनका आकार बढ़ने लगा, एक पग पर ही उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। और जैसे ही दूसरा पग बढ़ाया तो शुक्राचार्य ने कहा यह आम साधारण नहीं है, स्वयं विष्णु है ये, इस अवतार में आए तुम इस वचन को तोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो दूसरे पग में पूरी अमरावती जहाँ का साम्राज्य था बाली का उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी लेकिन वो वचन दे चुके थे राजा बलि, तो उन्होंने अपना सिर नीचे रखा और कहा कि प्रभु आप मेरे सिर पर ये अपना पैर रखो। तो भगवान नारायण खुश हो गए, उन्होंने अपना आकार छोटा किया, नीचे आए और उन्होंने कहा कि राजा बलि मैं तुम्हें पाताल लोक दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। और राजा बलि हमेशा के लिए पाताल लोक चले गए। इस तरह भगवान ने पूरी पृथ्वी को बचाया और राजा इंद्र को भी बचाया। मैंने बोला था कि भगवान विष्णु से जो वैर करेगा उसका भी मोक्ष है और जो प्यार करेगा उसका भी मोक्ष है। ऐसे राजा बलि का मोक्ष हुआ और वो पाताल लोक के राजा बने। अब इसके पीछे मैसेज क्या है, गुरु शिष्य पर, क्योंकि भगवान गुरु ब्राह्मण रूप आए थे तो उन्होंने राजा ने वचन दिया था कि मैं ये दूंगा, ये मेरा वचन है, वचन को निभाना। अगर आप अपने गुरु का अनादर करते हो और गुरु का तिरस्कार करते हो तो आप सोच लो कि आपका कार्मिक अकाउंट कितना। अपने वचन पर अडिग रहना और गुरु शिष्य परंपरा को निभाना, यही इस अवतार का मतलब है कि दोनों ने अपने वचन को निभाया, भगवान विष्णु ने भी और भगवान बालि ने भी। इसीलिए मैं कभी बहुत अपशब्द बोल देते हैं बच्चे कमेंट बॉक्स में, तो कभी किसी गुरु का आप अपमान ना करें। और ये युति राहु और शुक्र की होगी, आपने राहु शुक्राचार्य राहु के साथ थे, राजा बलि के साथ थे, दैट इज द डेविल। और राहु शुक्र जहाँ होते हैं यहाँ ये गुरु शिष्य परंपरा का मैसेज है।
और यही बच्चे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, मैंने देखा है कुंडलियों में जिनका राहु शुक्र साथ होता है। याद है आपको मेरे कैंसर लगना, सेवेंथ हाउस में शुक्र था और राहु की दृष्टि थी, तो उस बचने का मेरा ये योग है, मेरा योग। मैं एक बार किसी की भी कुंडली देख लेती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। लेकिन हर चीज के पीछे मैसेज है कि आपको क्या कर्स है, आप क्यों आए हो, आपका मैसेज क्या है इसके पीछे, वो सिर्फ राहु केतु की एक्सेस ही पता चलेगा। और आप देख लेना मैसेज क्या होगा, आप ठीक नेगेटिव ही काम कर रहे होगे, क्योंकि राहु क्या है, दैत्य, उल्टा काम जल्दी समझ आता है, सीधा काम समझ नहीं आता। तो आपका मैप है, आपने बदलना है, आपका चार्ट है, तो इसका मतलब है आप अपने गुरु का सम्मान करें। और गुरु का भी यही धर्म है कि अपने शिष्य को सही राह दिखाएं, क्योंकि मैंने कई देखा है, जैसे अब देखिए स्टूडेंट एंड लर्नर हैं, कई बार मैं भी अटक जाती हूँ। मैं एवी सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब किसी कंजंक्शन पर, नई कंजंक्शन कोई आती है, तो मैं सर को ही फ़ोन करती हूँ, बहुत प्यार से बात करते मेरे साथ। वरना कितने एस्ट्रोलॉजर्स को कभी मैं फ़ोन मिलाती हूँ तो इतना मतलब रूडली बात करते हैं, क्योंकि देखिए हम स्टूडेंट हैं, आप लोग गुरुजन हो, अगर हम स्टूडेंट आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। क्योंकि कितनी कंजंक्शंस हैं, वेद को पढ़ना अलग बात है, शास्त्रों को पढ़ना अलग बात है, लेकिन कई बार क्या, हज़ार कुंडली हमारे पास नहीं है, हमने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, एटलीस्ट उनको 50 पर तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो क्या उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर रखी होती है, मैं नहीं कहती कि परोसी हुई रोटी हमारे सामने परोस दी जाए, लेकिन कहीं कंजंक्शन है। तो गुरु का भी ये धर्म है अपने शिष्य को ये दिखाना कि कहाँ वो गलत है, क्योंकि यही परंपरा फिर आगे चलनी है। हमने कहाँ से मैसेज लेना है, अपने गुरुओं से, आगे किसको देना है, आपको आगे, आप स्टूडेंट बनोगे, आगे आपने अपने स्टूडेंट्स को देना, तो ये परंपरा तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना। लेकिन राइट मैसेज और वचन से कभी पीछे नहीं, जो वचन दिया आप उसको, यही इसका मैसेज है। तो इसका जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वामनाय, ये मंत्र करे राहु शुक्र जिसके भी युति है, वो ये वाला मंत्र करे, और उसकी लाइफ का मैसेज गुरु शिष्य अपने से बड़े जितने हैं आप, उनके आपके गुरु हैं, उनका मान करें, सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। और इसी तरह जुड़े रहें, अगली बार मिलते हैं अगले अवतार में, कैसे उसको अपनी कुंडली में देखना है और कैसे मंत्र लेना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुने जरूर। तो अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।